जनमन की आवाज के तौर पर देश का अगला खर्च पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम। हमारी प्रिय ममता दीदी, सादर वंदन। 80 और 90 के दशक में जब बंगाल में CPIM का राज था, तब कहा जाता था कि वे हाथ से नहीं हथौड़े से काम करते हैं। जब मन हुआ स्ट्राइक करा दी, जब मन हुआ बंद करा दिया, और यदि उनकी तानाशाही के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो हिंसा का शिकार होना लगभग तय था। लेकिन जब आप तृणमूल कांग्रेस सरकार लेकर आई तो इस शर्त के साथ कि CPIM की तानाशाही बंद होगी, और ऐसा हुआ भी, तानाशाही भी बंद हुई और कई अभूतपूर्व कार्य भी राज्य में हुए। लेकिन पिछले कुछ महीनों में बंगाल की राजनीति और आपकी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। हो सकता है कि ये समय की मांग हो, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के प्रति बदलती आपकी सोच ने जनता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये वही दीदी हैं जिनको वे अपना अगला प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। लिहाजा कुछ विशेष बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, प्रिय ममता दीदी। आप काफ़ी अनुभवी व सशक्त भारतीय महिला नेता होने के साथ कई सालों के संघर्ष के बाद इस मुकाम पर पहुंची हैं, जहां देश की ज़्यादातर आबादी आपको अपने अगले प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है। आप अकेली उन छत्रपों में से एक हैं जिसका किला 2014 में आई मोदी लहर के बाद भी नहीं हिला। लेकिन पिछले कुछ महीनों में आपके द्वारा किए गए कुछ कार्यों और दिए गए बयानों ने देश की आशावादी जनता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वह मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर विकल्प जिस ममता बनर्जी को मान रहे हैं, क्या ये ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी हैं? ऐसा क्यों, इस पर भी गौर करते हैं। आपने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के मुद्दे पर देश में गृह युद्ध छिड़ने वाला बयान किस आधार पर दिया था? क्योंकि कुछ फुहरों का कहना है कि आपके इस बयान के पीछे कोई आधार नहीं बल्कि जनाधार था। वहीं देश की जनता ये भी मानने के लिए तैयार है कि सारे यूटर्न लेने का हक सिर्फ प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी या फिर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को ही नहीं है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री की दौड़ ने आपको भी यूटर्न लेना सिखा दिया? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आपने 2005 में एक बयान में कहा था कि बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट में होना देश के लिए खतरा है, लेकिन अब आप इस बात से मुंह मोड़ लेती हैं और रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रति आपका रवैया जग जाहिर है। सरकार रोहिंग्या मुसलमानों में आतंकियों के होने का शक करती है तो आप केंद्र सरकार से भिड़ जाती हैं, लेकिन हावड़ा के धूलागढ़ में मुस्लिम समाज द्वारा हफ्ते भर तक आगजनी और तोड़फोड़ की जाती है तब आप पूरी तरह चुप्पी साध लेती हैं और मीडिया भी खामोशी का परिचय देती है। दीदी, आपने हमेशा खुद को धर्मनिरपेक्ष बताया है। पिछले कुछ सालों में आपकी छवि मुसलमानों के माध्यम से सांप्रदायिक राजनीति करने वाले नेताओं के रूप में बनी है। बातें होने लगी हैं कि बंगाल का 30% मुस्लिम वोट आपको ऐसे कृत्य करने के लिए मजबूर करता है। आपसे प्यार करने वाली जनता जानना चाहती है कि क्यों बच्चों की किताबों से राम शब्द गायब करा दिया जाता है और किन कारणों से आपको मां कहने वाली IPS अफसर कई सालों बाद आपसे दूरी बना लेती है। आप मोदी सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने और तानाशाही करने का आरोप लगाती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में जो देखने को मिला उसकी भी उम्मीद आपसे देश में कोई नहीं कर रहा था। आपकी तुलना किसी राजनेता से नहीं हो सकती, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की, हालांकि आज वह BJP के दामन में ही झूला झूलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप किस फॉर्मूले के तहत मोदी सरकार को घेरने वाली है?
क्योंकि संशय तब और गहरा जाता है जब आप बीजेपी के प्रमुख नेताओं से भी मिलती हैं और विपक्ष को भी साथ लेकर चलने की बात करती हैं। और क्या कारण है कि आपके पार्टी कार्यकर्ता बार बार गुंडागर्दी का रूप धारण कर लेते हैं और रात भर मेडिकल कॉलेज के बच्चों पर उनका कहर बरसता है। और कुछ लोग यह भी जानने के इच्छुक हैं कि आखिर क्यों वह दार्जिलिंग, जिसके नाम पर असम से लेकर श्रीलंका तक में उगाई जाने वाली चाय बेच दी जाती है, उस खूबसूरत दार्जिलिंग को आपके रहते हुए भी हर बार सुगलने पर मजबूर होना पड़ता है। देश की जनता के मन में ऐसे ही कई और सवाल और संशय उठना लाजमी है, लेकिन आपके भीतर इंदिरा गांधी की छवि देखने वाली ये जनता आपको देश की अगली सबसे सशक्त महिला प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहती है, तो कृपया करके इन बातों की तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित करें। धन्यवाद।